गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे व्यंजन। व्यंजन में हम आ गए हैं श। इसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज होता है एस एच ए श, और बनने वाले वर्ड है स से सलगम, स से शरीफा और स से सरबत। इस शब्द इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो ताल। ये जो श शक्कर का, इसको श शक्कर का शब्द भी कहते हैं। तो इस श का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, हमारा तालु। जब हम श बोलते हैं तो हमारी जीवा हमारे ऊपर वाले तालु पर टकराती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान है तालु। इसको हम लिखेंगे इस तरह से श। आपको अपनी नोटबुक में इस तरह से श लिखना है। श एस एच ए, श से शक्कर, श से शरबत, श से शरीफा और स से सलगम। श लिखा है इस तरह श। आपको अपनी पूरा नोटबुक का पूरा एक पेज लेना है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करके बॉक्स खंड डिवाइड करके और उसमें ये श लिखना है इस तरह से श श। स से शरबत, श श श श श श श। इस तरह से र बनाना है और इसको गोल घुमा के लाइन श। र बनाया, इसको गोल राउंड किया और साथ में लाइन श श श श। उच्चारण स्थान ताल श श श श श श। अब श वर्ण पर गोल कीजिए, जहां पर इस तरह का श वर्ण लिखा होगा उसको हमको गोला करना है। क श म श ज श, इस तरह का स ये लिखा है, इस पे सर्कल, इसके ऊपर गोला किया और इसके ऊपर श। प त श ठ श ज, इस श पे सर्कल, इस श पे सर्कल। न श फ श ख ध, इस श पे सर्कल और ये सर्कल। फिर स से शुरू होने वाले शब्द पर गोला कीजिए, तो स से शुरू होने वाले शब्द पे गोला करना। ये एक घर, तो ये नहीं आएगा शलगम, इसलिए ये श पे सर्कल। छत कमल, छत भी नहीं और कमल भी नहीं। शराबर, स से शुरू होने वाला शब्द इसलिए इसके ऊपर सर्कल गोला किया। नाला, न से शुरू रहा इसलिए ये भी नहीं आएगा। धर्म, श ध से शुरू रहा इसलिए ये शब्द भी नहीं। आम, आ से शुरू रहा इसलिए ये शब्द नहीं। छत, छ से शुरू हो रहा इसलिए ये शब्द नहीं आएगा। शरीफा, स से शुरू होने वाला शब्द इसलिए इसके ऊपर सर्कल। पत्र, प से शुरू होना इसे ये भी नहीं। कल, प से शुरू होने वाला शब्द इसलिए ये भी नहीं। अच्छा, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो एक पिक्चर से दिया हुआ है, ये शलगम, सरबत, शरीफा। फिर इस तरह से डॉटेड डॉटेड का दिया हुआ है, इसको आपको पेंसिल से पूरा फिलअप करना है। पूरा स डॉट डॉट को पूरा लाइन पूरी इसकी डॉट डॉट को मैच मिलानी है और पूरा श लिखना है। और इसी तरह नोटबुक में भी ऐसे लाइन खींच के बॉक्स बना के उसमें श लिखनी है। उसके बाद आता है श षटकोण का स। उसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज होता है डबल एच ए, श डबल एच ए। इस श को लिखते इस तरह से, प बनाया और अंदर लाइन एच लिखी श श श श और श। इसको भी आपको आपकी नोटबुक में वन पेज में ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें फिर श लिखना, पूरा वन पेज भर के श फिलअप करनी है। श श प बनाया और फिर उसमें ऐसे श श से षटकोण, स से बनने वाला है शब्द षटकोण, स से षटकोण श श श श श श श
से षटकोण। इस तरह आपको अपनी नोटबुक में पूरा और साथ साथ में लर्न भी करना है। श श श श श श श फिर श वर्ण पर गोला करना है। म श न च श र, तो ये श है इसलिए यहाँ सर पर, ये सर पर। फ न श भ ग श, इस तरह का श ये रहा है, ये गोल किया। श र फ ब श ज, ये श पे गोल किया और ये श। स से बनने वाला शब्द है षटकोण, और षटकोण का इस तरह से पिक्चर बनता है, और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा श ये षटकोण का पिक्चर है। श ये जो डॉटेड डॉटेड है इसको आपको पूरी तरह से फिलअप करना है, फिर नोट में पूरा वर्ड में इस तरह से राइट करने हैं। तो आज हमने पढ़े श, दो श। स से एस एच ए इंग्लिश वर्ड, उस श का इंग्लिश वर्ड है डबल एच एक्स डबल एच ए। इस श का उच्चारण स्थान तालु है और उस श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो स से बनने वाले शब्द, इस श से बनने वाले शब्द है सलगम सरिफा सरबत शक, और स से बनने वाला शब्द है षटकोण। थैंक यू।